दोस्तों भाइयों बहनों नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा एक बार फिर नई वीडियो लेकर आया हूं। जो बैंगन ब्रिंजल ये पूरी दुनिया में पाया जाता है। दोस्तों मैं आपको आज फिर बता रहा हूं कि मैं दुनिया की मिलने वाली सारी वनस्पति के बारे में आपको बताऊंगा और हमें रोगों से बचने के लिए सही तरीके से क्या क्या खाना जरूरी है वो भी मैं बारी बारी से हर वीडियो में आपको बताऊंगा, तथा धीरे धीरे करके मैं आपकी जो बीमारियां हैं 90% इन्हीं वनस्पतियों से खत्म कर दूंगा। आपको अस्पतालों में लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो आर्थिक खर्चा हो रहा है थोड़ी सी भर लापरवाही से उसको मैं बचाने की कोशिश करूंगा, आपकी जिंदगी गंभीर रोगों से बचाने की कोशिश में लगा हूं, जिससे दुनिया खुशहाल रहे, रोगों से मुक्त रहे। तो इसलिए मैं फिर आज एक नई वीडियो लेकर आया हूं, वो बैंगन से संबंधित है। ये 12 महीने सब्जी पैदा होती है तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र प्रदेश एशिया यूरोप ये सभी जगह पैदा होती है और ये जाड़े में भी गर्मी में भी बारिश में भी आपकी तीनों ऋतुओं में सही तरीके से आपको सब्जी पूरी साल मिलती है। तो भाइयों बहनों मैं इसके बारे में, ये भारत में तो बहुत ज्यादा पैदा होती है, पाकिस्तान में बांग्लादेश में तथा एशियाई देशों में जितनी भी है चीन में ये बहुत अच्छी मात्रा में पैदा होकर के एक्सपोर्ट भी करते हैं। और मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इसमें जितने हमारे लिए खनिज लवण और विटामिन से भरपूर है, हमारे लिए इसको खाना शरीर के लिए पौष्टिकता के लिए बहुत जरूरी है। इसमें 100 ग्राम में कितना कितना क्या क्या चीज है मैं आपको एक बार बताता हूं। दोस्तों बैंगन में 100 ग्राम बैंगन में 92 ग्राम पानी होता है, वाटर होता है, बाकी विटामिन के 3.5 माइक्रोग्राम, विटामिन ई 0.3 मिलीग्राम और विटामिन ए 1 माइक्रोग्राम, बीटा कैरोटीन 14 माइक्रोग्राम, कोलिन 6.9 मिलीग्राम, फोलेट 22 माइक्रोग्राम, कैल्शियम 9 मिलीग्राम, आयरन 0.23 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 14 मिलीग्राम, फास्फोरस 24 मिलीग्राम, पोटेशियम 229 मिलीग्राम, मैग्नीज 0.232 मिलीग्राम, विटामिन सी 2.2 मिलीग्राम, सेलेनियम 0.3 माइक्रोग्राम, थायमिन 0.039 मिलीग्राम, नियासिन 0.649 मिलीग्राम, राइबोफ्लेविन 0.037 मिलीग्राम, विटामिन बी 6 0.84 मिलीग्राम तथा प्रोलिन, ग्लूकोजिन एसिड, अजरिन वैलिन, फेनिलवैलिन, लाइसिन, न्यूरोसिन, आइसोलुसिन और आयरन एस्पार्टिकम भी मिलते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी सब्जी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है तथा ये शरीर का दर्द भी सही करती है, शरीर की सूजन को भी कम करती है और तथा जिसको अस्थमा का अटैक होता है उसको भी अटैक नहीं पड़ने देती तथा ब्लड प्रेशर को भी ठीक करती है और शुगर के रोगों को भी, शुगर को भी कंट्रोल ठीक करती है, मोटापा कम करती है और कैंसर होने से भी बचाती है तथा त्वचा को भी ठीक करती है और दिल की बीमारियों को भी ये होने से बचाती है तथा हड्डियों को भी ठीक करती है और दिमाग की कोशिकाओं का भी ये पालन पोषण करती है। इसमें ये इसको हम मुख्य रूप से भूनकर भुरता बना करके इसकी चटनी भी बना लेते हैं और सब्जी बनाते हैं और इसकी सब्जी भी आलू के साथ मिला करके और सब्जियों के साथ मिलाकर खाया जा सकता है तथा इससे दोस्तों कुछ लोगों को, कुछ भाई बहनों को
क्या होता है कि अगर मान लिया ज्यादा खा लिया जाए या कम भी खाया जाए तो इसमें कुछ एलर्जी गुण भी होते हैं, उससे शरीर में खुजली होने लगती है। तो वो भाई बहनों से निवेदन है कि वो इसको कम से कम खाएं, ना के बराबर खाएं, जिनको शरीर में इसको खाने से खुजली होती है।